हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 हमारे हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अब हम एक्सरसाइज 5.1 में डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन सभी कॉन्टीन्यूटी हैं। किसी में हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट दे रखा है कि किस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके पास जिनमें ये बोल रखा है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और कोई कॉन्स्टेंट दे रखा है ए बी या फिर के, उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह से हमें दिया हुआ है विद इंटरवल। कुछ एक हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आए जिसमें हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, जहाँ हम क्या कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी के लिए पुट करके हम कंटिन्यूस प्रूव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शंस। हमें कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा, कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो किसके लिए प्रूव करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू सी के लिए। लेट अस एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स इज इक्वल टू सी के लिए हम फंक्शन को कॉन्टीन्यूस प्रूव करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ सी इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह क्या आएगा सी प्लस कोस सी। फिर हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एच आ जाएगा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स है हमारे पास फंक्शन, लिमिट एच टेंस टू जीरो। साइन एक्स की जगह क्या करेंगे सी माइनस एच, प्लस कोस एक्स की जगह आएगा सी माइनस एच इज इक्वल टू। अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो थी तो क्या कर दिया, साइन सी एच की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दी जीरो, प्लस कॉस सी और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, तो क्या आ जाएगा साइन सी प्लस ए कॉस सी आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम राइट हैंड लिमिट को अप्लाई करेंगे। राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस सी। लेफ्ट हैंड में हम कुछ माइनस करते हैं, राइट हैंड में हम कुछ प्लस करते हैं, सी प्लस एच आ जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर दिया साइन सी प्लस एच, प्लस कॉस एक्स की जगह सी प्लस एच आ जाएगा। एच की वैल्यू क्या है जीरो, अप्लाई करेंगे साइन एक्स सी प्लस जीरो प्लस कॉस सी प्लस ए जीरो, ये जीरो है तो क्या आ जाएगा साइन सी प्लस ए कॉस सी। फिर हमारे पास क्या है, तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल है तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज ए कॉन्टीन्यूस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकेंड और थर्ड पार्ट है, उसमें भी क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दे रखा है और साइन एक्स इंटू कोस एक्स दे रखा है, तो हम इनको भी इसी तरह से करेंगे, आपको ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। हमें सभी फंक्शंस के लिए क्या प्रूव करना है कि कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस। पॉलिनोमियल है वो भी हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी कॉन्टीन्यूस होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट है हमारे पास लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, किसको प्रूव कर रहे हैं हम, कोसाइन, तो कोस एक्स लिखेंगे इसको हम। लेट अस एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी के लिए कोई पॉइंट नहीं है तो एक्स इज इक्वल टू सी के लिए प्रूव करेंगे। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एच क्या आ जाएगा कॉस एक्स है हमारे पास फंक्शन, लिमिट आ जाएगी एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया कॉस सी माइनस एच और एच टेंस टू जीरो है तो एच की वैल्यू जीरो रख लें कॉस सी माइनस जीरो। अब जीरो है तो क्या आ जाएगा कॉस सी आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एच कॉस एक्स है इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स की जगह क्या रखेंगे सी प्लस एच, कॉस सी एच की जगह क्या रखेंगे जीरो, तो क्या आ जाएगा कॉस सी। और तीनों हमारे पास कैसे हैं, इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं तो हम क्या बोल देंगे फंक्शन कैसा है हमारे पास, कॉन्टीन्यूस है। इसी तरह से सेकंड आपके पास क्या है कोसेक एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है कोसेक एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स और कोसेक एक्स क्या लिख सकते हैं वन बाई साइन एक्स। हम इसको प्रूव करेंगे तब भी वही आएगा, इसको प्रूव करेंगे तब भी वही आएगा। लेट एक्स एग्जामिन द कंटिन्यूटी एक्स इज इक्वल टू सी के लिए, एफ ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा कोसेक ऑफ एक्स की जगह क्या आया सी। लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एच कोसेक एक्स है, एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर दिया लिमिट एच टेंस टू जीरो कोसेक एक्स आ गया सी माइनस एच आ जाएगा।
लिमिट h टेंस टू जीरो, कोसेक सी, एच की जगह क्या आया जीरो, तो क्या आ जाएगा कोसेक सी। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू c प्लस h कोसेक x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, कोसेक x की जगह क्या आएगा c प्लस h। लिमिट h टेंस टू जीरो, कोसेक और h की जगह जीरो हो गया, तो क्या आ जाएगा कोसेक c इज इक्वल टू कोसेक c। अब हमारे पास तीनों इक्वल हैं, कोसेक सी कोसेक सी कोसेक सी, तो हम क्या बोल देंगे फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। सेम हमारे पास क्या है, सीकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ये आप ट्राई करके देख लेना। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको एफ एक्स दिया हुआ है और हर एक वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। देखते हैं, लेट अस एग्जाम डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू किसके लिए कर रहे हैं हम, जीरो के लिए, क्योंकि तीन फंक्शन दिए हुए हैं, एक हमारे पास लेस देन जीरो, एक ग्रेटर देन जीरो और एक इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ जीरो अप्लाई करेंगे, इक्वल के लिए फंक्शन क्या एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन एक्स की जगह हमने क्या रख दिया जीरो, जीरो प्लस वन हमारे पास क्या आ जाएगा वन। फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है साइन एक्स बाई एक्स अप्लाई कर दिया हमने, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, और ये क्या आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे साइन जीरो माइनस एच, एक्स क्या आ जाएगा जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब हमारे पास क्या आएगा साइन, अंदर नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव है तो हमेशा साइन क्या करता है बाहर आता है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच। और ये हमने, मैंने सबसे पहले आपको जब करवाई थी 5.1 फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि अगर हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो है तो साइन एच बाई एच किसके इक्वल होता है वन के इक्वल, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा वन के इक्वल हो गए हम। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है एक्स टेंस टू जीरो प्लस कर देंगे जीरो प्लस एच, और फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स प्लस ए वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स की जगह क्या रखेंगे जीरो प्लस एच प्लस ए वन इज इक्वल टू एच, हमारे पास क्या है एच टेंस टू जीरो है तो एच जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, क्या आ जाएगा जीरो प्लस ए वन इज इक्वल टू क्या आया वन। अब हमारे पास तीनों क्या आ गए वन, एफ जीरो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या बोल देंगे एफ इज कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट, क्योंकि अगर हमारे पास फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस आया ही नहीं तो हम बोल ही नहीं सकते कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है हर एक पॉइंट पे कैसा है कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ लेट अस एग्जामिन कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया एफ जीरो, एफ जीरो के लिए फंक्शन क्या दे रखा है जीरो, तो एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई किया, अब हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है तो लेफ्ट के लिए भी यही रहेगा और राइट के लिए भी सेम रहेगा फंक्शन। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच आ जाएगा एक्स स्केयर साइन वन बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह हम क्या रखेंगे जीरो माइनस एच का स्केयर साइन वन बाई जीरो माइनस एच आ जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच को हम क्या लिख सकते हैं माइनस जीरो तो खत्म हो गया, इसको क्या लिख देंगे एच का स्केयर और साइन ये क्या आ जाएगा वन बाई माइनस एच आ जाएगा। अब हमारे पास एंगल में जब नेगेटिव है तो साइन क्या करता है बाहर फेंकता उसको, माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्केयर और साइन वन बाई एच है। फिर हमें क्या फॉर्म बनाना है साइन एच बाई एच, साइन एच की जगह क्या है वन बाई एच, तो क्या करेंगे वन बाई एच से इसको डिवाइड कर दिया और वन बाई एच से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास जो फंक्शन है क्या बनेगा माइनस इस एक एच से इसका एच कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये फंक्शन क्या है साइन वन बाई एच बाई वन बाई एच मल्टीप्लाई में क्या बच गया एच, और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा वन के इक्वल, तो क्या है माइनस वन मल्टीप्लाई एच, और एच हमारे पास क्या है जीरो, तो क्या आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच,
एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स इज इक्वल टू, लिमिट हमने अप्लाई कर दी, लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा और एक्स की जगह जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर साइन वन बाई जीरो प्लस एच। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा साइन वन बाई एच, उसी से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, इस पूरे के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इन टू, देखो इस एच से एक एच कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एच साइन वन बाई एच बाई वन बाई एच, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा वन, तो क्या आ गया एच मल्टीप्लाई वन, और एच की वैल्यू क्या है जीरो, वन मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू क्या आया जीरो, तीनों के तीनों हमारे पास क्या आ गए जीरो। अगर तीनों जीरो आ गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एफ जीरो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स क्या दे रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और क्या दे रखा है माइनस वन इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। कॉन्टिन्यूटी प्रूव करेंगे, पहले हमने क्या किया कि तीनों प्रूव करना है, लेट एक्स एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए, तो पहले हमने क्या निकाला एफ जीरो, एफ जीरो हमारे पास क्या दे रखा है माइनस वन, तो एफ जीरो क्या आया माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, और हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है नॉट इक्वल के लिए क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, अप्लाई कर देंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह क्या आएगा साइन जीरो माइनस एच माइनस कोस जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो ये क्या आएगा साइन माइनस एच माइनस कोस, और ये माइनस है एंगल के अंदर तो भी क्या कर देगा प्लस कर देगा, क्या आ जाएगा एज इट इज कोस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो है, एच की वैल्यू क्या है जीरो, तो क्या आ जाएगा साइन माइनस जीरो माइनस कोस जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, और कोस जीरो क्या होता है वन, तो क्या आ जाएगा माइनस से वन। राइट हैंड लिमिट, लिमिट हमारे पास क्या है जीरो प्लस एच साइन एक्स माइनस कोस एक्स, अप्लाई कर देंगे एक्स पे लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स की जगह क्या आएगा जीरो प्लस एच माइनस कोस जीरो प्लस से एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच माइनस कोस एच, एच की जगह जीरो रख देंगे तो क्या आ जाएगा साइन जीरो माइनस कोस जीरो, साइन जीरो जीरो होता है तो कोस जीरो क्या होता है वन, तो क्या आ जाएगा माइनस से वन। अब हमारे पास तीनों क्या आ गए माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो क्या बोल देंगे फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 टू 29। 26 से 29 तक के जो क्वेश्चन हैं उनमें क्या है हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और हमें के की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे देखो क्वेश्चन नंबर 26 है एफ एक्स इज इक्वल टू के कोस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, और थ्री है इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू के लिए हम जब हमारे पास क्या दे रखा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या करेंगे एफ पाई बाई टू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों हमारे पास क्या आएंगी इक्वल आएंगी, तो हमने सबसे पहले किसके लिए किया एफ पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू के लिए क्या दे रखा है थ्री दे रखा है, उसके बाद हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस एच हमने अप्लाई कर दिया, और फंक्शन है के कोस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू के एज इट इज कोस एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे कोस पाई बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो के। अब कोस पाई बाई टू में से कुछ माइनस करेंगे, पाई बाई टू यहाँ है इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आ गया, बट कोस पाई बाई टू से कनेक्ट होते ही किस में चेंज होता है साइन में, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एच पाई एज इट इज माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई करें टू से टू कैंसिल क्या आया माइनस पाई माइनस माइनस प्लस टू एच, अब हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या आया के साइन एच बाई टू एच, यहाँ हम क्या बनाएंगे साइन एच बाई एच बना देंगे तो क्या आएगा के बाई टू कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख लिया के बाई टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच, ये पूरा का पूरा क्या हो गया वन, तो क्या आ जाएगा के बाई टू। इसी तरह से फिर हम राइट हैंड लिमिट को अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस एच आ जाएगा के कोस एक्स बाई पाई माइनस
2x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 के एज इट इज cos x, x की जगह पाई बाई 2 प्लस से h आ जाएगा और नीचे पाई माइनस 2, x की जगह पाई बाई 2 प्लस से h आ गया हमारे पास k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई एज इट इज 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा माइनस पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर क्या है हमारे पास के। अब देखो पाई बाई टू के अंदर कुछ ऐड किया, ऐड कर देंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में आ गए सेकंड में, और सेकंड में कोस हमारे पास कैसा होता है नेगेटिव, तो और कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एच अपोन में क्या है माइनस टू एच, टू को बाहर ले लिया तो क्या बचेगा माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर वही है के बाई टू को बाहर लिख लिया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच आ गया और ये पूरा का पूरा वन होता है तो क्या आ जाएगा के बाई टू। फिर हमें क्या दे रखा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो तीनों इक्वल है, क्या आ गया थ्री इज इक्वल टू के बाई टू इज इक्वल टू के बाई टू, के बाई टू इज इक्वल टू थ्री लेके चल पड़े और टू को उधर लेके गए टू थ्री जा सिक्स, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स, हमारे पास क्या दे रखी दो कंडीशन दे रखी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो हमारे पास कंडीशन क्या है हमें के एक्स स्क्वायर इफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है लेस देन और इक्वल टू टू दे रखी है, थ्री इफ एक्स ग्रेटर देन टू एट एक्स इज इक्वल टू टू के लिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो तीनों इक्वल आएंगे, एफ टू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एफ टू टू के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या है के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमें टू पुट करना है के टू का स्क्वायर फोर क्या आ जाएगा फोर के, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन क्या है के एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एच के और एक्स की जगह क्या रखा टू माइनस एच का स्क्वायर लिमिट एच टेंस टू जीरो के इंटू टू माइनस एच का होल स्क्वायर, एच हमारे पास क्या है जीरो पुट कर देंगे या फिर इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, दोनों सेम मेथड है, लिमिट एच टेंस टू जीरो है हमारे पास के और स्केयर ओपन करेंगे क्या आएगा टू का फोर आ जाएगा और एच का एच स्केयर माइनस फोर एच, अब हमारे पास एच क्या है जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो क्या आ जाएगा फोर के, फिर है राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एच है फंक्शन क्या दे रखा है उसके लिए थ्री तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा थ्री, अब एफ टू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं, ये हमारे पास क्या आया फोर के इज इक्वल टू फोर के और थर्ड क्या है हमारे पास थ्री, तो दो को इक्वल रख लिया फोर के इज इक्वल टू थ्री के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर को इधर ले आए थ्री बाई फोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई कोस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन पाई एट एक्स इज इक्वल टू पाई के लिए, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस देन हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो हम क्या प्रूव करेंगे के की वैल्यू फाइंड करेंगे, तीनों को इक्वल रख लिया एफ पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के एक्स प्लस वन, एक्स की जगह पाई रिप्लेस कर दिया के पाई प्लस से वन, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर दिया हमने लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एच के एक्स प्लस से वन, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया के पाई माइनस एच प्लस से वन, अंदर मल्टीप्लाई किया लिमिट एच टेंस टू जीरो के पाई माइनस के एच प्लस से वन, एच टेंस टू जीरो है तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा क्या आ जाएगा के पाई प्लस से वन, फिर राइट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या दे रखा है कोस एक्स लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एच कोस x is equal to limit h tends to 0 cos x की जगह क्या आएगा पाई प्लस h लिमिट h tends to 0 cos पाई, अब देखो ये हमारे पास पाई है पाई के अंदर कुछ ऐड कर दिया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कैसा होता है cos नेगेटिव तो क्या आ जाएगा माइनस से cos h आ जाएगा हमारे पास लिमिट h tends to 0 cos h, h की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस cos 0, cos 0 क्या होता है 1 तो क्या आ जाएगा माइनस से 1, इक्वल रख देंगे हम k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, के पाई को इधर रख लिया माइनस वन, इसको इधर लेके आए माइनस वन तो क्या हो जाएगा माइनस टू, अब पाई को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस टू बाई पाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगी के की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन इफ एक्स हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल टू फाइव और थ्री एक्स माइनस फाइव इफ एक्स ग्रेटर देन फाइव एट एक्स इज इक्वल टू फाइव के लिए प्रूव करेंगे, हमारे पास फंक्शन दे रखा है तो हम पहले क्या करेंगे सबसे एफ एक्स कंटिन्यूस है तो एफ फाइव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट फाइव क्या आ जाएगा इक्वल के लिए क्या है
के एक्स प्लस है वन, के एक्स प्लस है वन, एक्स की वैल्यू 5 रिप्लेस कर देंगे, के 5 प्लस वन क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई 5 के प्लस है वन। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है के एक्स प्लस है वन, लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एच और क्या आ जाएगा के एक्स प्लस है वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 के एक्स की जगह क्या आएगा 5 माइनस एच प्लस है वन, क्या अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5k माइनस के एच प्लस है 1, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5k प्लस है 1। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है 3x माइनस 5, उसके लिए फंक्शन लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एच 3x माइनस 5, लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 प्लस एच माइनस 5 आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 15 प्लस 3 एच माइनस 5, 15 में से 5 जाएगा 10 और ये क्या हो गया 0। तो इक्वल रखेंगे f5 हमारे पास क्या है 5k प्लस 1, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 1 को उधर लेके जाएंगे 5k इज इक्वल टू 9 और k क्या आ जाएगा हमारे पास 9 बाई 5। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।